सो फ्रेंड्स, आज एक धमाकेदार पीसी हम बिल्ड करने वाला है जो एक प्राइस पॉइंट 10 लाख मींस 10 लाख रुपीस का रहेगा, जिसका बजट 50% तक प्रोसेसर के अंदर कस्टमर ने इन्वेस्ट किया। चलो देखते हैं वो पीसी कितना अच्छा हमने कंपोनेंट चूज किया और उसका 20% बजट जो है जीपीयू पे इन्वेस्ट है, मींस सीपीयू एंड जीपीयू। सो सीपीयू एंड जीपीयू दोनों मिला के 7 लाख रुपए का उसका है और ये ओवरऑल पीसी जो है 10 लाख रुपए का है। सो फ्रेंड्स, 10 लाख रुपीज के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन आता है मैं आपको डिटेलली बताऊंगा। इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर बोल सकते हैं, इससे ऊपर AMD Threadripper के अंदर अभी तक प्रोसेसर नहीं है। ये प्रोसेसर 3995WX प्रोसेसर जो 64 जीबी रैम नहीं बोल रहा हूँ, 64 कोर प्रोसेसर है, 128 थ्रेड के साथ में 288 MB कैश मेमोरी है इसका, मींस वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर प्रो सीरीज का बोल सकते हैं, AMD Threadripper 3995WX बोल सकते हैं। सो इतना अच्छा हाई बरकम वाला प्रोसेसर जो है आपको ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए के अंदर आज के डेट में इंडिया में मिल रहा है और इसके ऊपर AMD Threadripper के अंदर हाई एंड प्रोसेसर है नहीं, लेकिन इतना अच्छा प्रोसेसर के लिए काफी अच्छा मदरबोर्ड यूज किया जो AMD का WRX 80 चिपसेट के अंदर आता है, Asus का Pro WS WRX 80, Sega सीरीज का, इसके अंदर 1, 2, 3 नहीं कम से कम 6 ग्राफिक कार्ड इजीली लगा सकते हो, 6 से 7 ग्राफिक कार्ड। और AMD Threadripper का जो 64 कोर का जो परफॉर्मेंस पूरा यूटिलाइजेशन है इसके अंदर कर सकते हो, रैम भी आपका 2 TB तक रैम सपोर्ट करता है, आप खुद देख सकते हो इसके अंदर स्पेक्स के अंदर लिखा हुआ है, मेमोरी जो है मैक्सिमम 2048 GB मींस 2 TB का रैम लगा सकते हो मैक्सिमम। इसके अंदर एक ड्रॉप है बैक है कि इसके अंदर 3200 के अंदर रैम अगर क्लॉक स्पीड में चलाते हो तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस आता है। इसका थर्मल्स काफी अच्छे हैं, इसको वर्क स्टेशन ग्रेड का मदरबोर्ड बोलते हैं। इसके अंदर Threadripper को झेलने की कैपेसिटी है क्योंकि वो 64 कोर वाला प्रोसेसर इसके अंदर इजीली चल जाता है। इतना अच्छा प्रोसेसर के लिए मैंने काफी कम बोल सकते हैं, फिर भी मैंने 64 GB रैम यूज किया। Corsair का Vengeance Pro RGB वाला जो सीरीज का आता है, Vengeance RGB S सीरीज का ये वाला रैम यूज किया जो 32x2 स्टिक के अंदर आता है, 64 GB रैम है। हालांकि इसके लिए 128 या 256 512 GB रैम लगाते हैं तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता, लेकिन कस्टमर थोड़े दिन के बाद में रैम अपग्रेड करेगा। इसके लिए स्टोरेज मैंने 2 यूज किया, एक साटा M.2 यूज किया, M.2 के अंदर की वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम सबका फेवरेट सैमसंग 980 प्रो यूज किया है। 980 प्रो 2 TB का जेन 4 SSD है जो बेस्ट टू बेस्ट 7000 MB पर सेकंड के हिसाब से स्पीड देती है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज भी हमने काफी अच्छा यूज किया जो 870 EVO सीरीज का जो सैमसंग का आता है वो वाला यूज किया। सो सेकेंडरी स्टोरेज के हिसाब से देखते हैं तो ये काफी अच्छा स्टोरेज है सैमसंग का 870 EVO, हालांकि लोग कम वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्रीमियम ब्रांड का यूज किया ताकि उसका डाटा करप्ट ना हो और लॉन्ग लेस्टिंग आया। और सैमसंग वन ऑफ द बेस्ट एंड लीडिंग ब्रांड इन मेमोरी चिपसेट के अंदर बोल सकते हो। इस इतना अच्छा प्रोसेसर रैम SSD यूज करने के बाद में जो थर्ड स्टोरेज है वो भी मैंने काफी अच्छा यूज किया जो रेयरली देखने को मिलता है, WD 4 TB ब्लैक एडिशन जो है गेमिंग HDD बोल सकते हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट 3.5 साइज का HDD है जो ऑलमोस्ट 2 TB SSD जितने रेट में आती है, 4 TB का वन ऑफ द बेस्ट HDD बोल सकते हो। और ग्राफिक कार्ड भी मैंने काफी अच्छा यूज किया Asus का। चलो बाकी जब जो भी प्रोडक्ट इसके अंदर मैंने यूज किया सब Asus कंपनी के, जैसे कि आप देख सकते हैं मदरबोर्ड Asus का, प्रोसेसर AMD का, लेकिन ग्राफिक कार्ड Asus का, कूलर Asus का, केस Asus का, PSU Asus का, ऑलमोस्ट सब Asus के यूज किए। कस्टमर प्रीमियम रेंज का प्रोडक्ट चाहता था और कंपटीटर ब्रांड के अंदर कुछ कंपोनेंट स्टॉक में नहीं थे, इसीलिए मैंने काफी वन ऑफ द बेस्ट RTX 3090 स्ट्रिक्स एडिशन का ग्राफिक कार्ड यूज किया, वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक कार्ड बोल सकते हो Asus की तरफ से आने वाला। और इसके लिए कूलर जो है मैंने काफी अच्छा कूलर यूज किया, हालांकि इससे भी अच्छा कूलर Ryzen सीरीज का आता है, लेकिन वो बोल रहा है कि यार मुझे LCD वगैरह थोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन फैंस के अंदर RGB चाहिए, तो मैंने ये वाला जो उनका आता है Asus का LC 2 360 RGB वाला वर्जन यूज किया, जिसके अंदर तीनों फैन RGB आते हैं और प्लस जो Asus का जो है ना पंप के ऊपर ROG का एक लोगो भी रहता है। और इसके लिए पावर सप्लाई काफी अच्छा यूज करना पड़ेगा क्योंकि Threadripper प्रोसेसर जो है इस PC को फुल्ली परफॉर्मेंस देना है, तो 1200 वॉट्स का प्लैटिनम ग्रेड का पावर सप्लाई यूज किया जो
Asus ROG का है 1200 वाट्स का प्लैटिनम ग्रेड पावर सप्लाई। चलो इतने अच्छे कंपोनेंट यूज कर दिए, इसके साथ में इसको बिल्ड करने के लिए काफी अच्छा केस की जरूरत होती है, वो मैंने यूज किया Asus का GX601 ROG एडिशन वाला केस। सो ये फुल बंडल जो है पीसी हम 10 लाख रुपीस के अंदर बिल्ड करके आपको ऑल ओवर इंडिया के साथ में देते हैं। चलो अभी इंडिविजुअल एक एक कंपोनेंट का मैं प्राइस बताता हूँ। इसके अंदर जो मैंने यूज किया AMD Pro 3995WX जो है आपको ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए के अंदर इंडिया के अंदर आज के डेट में मिलता है, हालांकि ये अभी डिसकंटिन्यू होने वाला है, नेक्स्ट जो है 5000 सीरीज में आ रहा है, ये लास्ट सीरीज ऑफ प्रोसेसर है, एक दो प्रोसेसर मैक्सिमम मेरे पास मिल पाएंगे नेक्स्ट। तो इसके लिए जो मदरबोर्ड भी मैंने यूज किया काफी अच्छा यूज किया, जो प्रो WRX 80 सीरीज का है, वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड बोल सकते हो, जो एक 90,000 प्राइस पॉइंट के अंदर आता है। रैम इसके अंदर जो यूज किया 30,000 का है, और स्टोरेज के अंदर जो मैंने यूज किया आप देख सकते हो 980 जो है ऑलमोस्ट एक 17,000-16,000 के अंदर आता है, और 870 जो है ये 21,000 के अंदर 2 TB मिल जाता है, और ग्राफिक कार्ड 3090 है जो एक 2,20,000 के अंदर मिलने वाला Asus ROG Strix का काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, कूलर इसका 22,000 तक मिल जाता है, और ये जो केस है ये काफी अच्छा GX601 केस जो है 23,000 तक मिल जाता है, पावर सप्लाई इसका प्लैटिनम ग्रेडेड वाला पावर सप्लाई 28,000 तक मिल जाता है। हालांकि इसके अंदर जो स्टोरेज मैंने यूज किया 15,500 के अंदर 4 TB का WD ब्लैक यूज किया है। सो ये पूरा बिल्ड जो है ऑल ओवर इंडिया शिपिंग के साथ में 10 लाख रुपीज के अंदर करके देते हैं, हालांकि ये कस्टमर काफी दूर से आया है, वो मेरे से कंपोनेंट्स खरीदा है, वो बिल्ड अपने आप खुद करेगा, उस कस्टमर का फीडबैक भी हम जानेंगे कि वो मेरे स्टोर के बारे में कैसे जानता है। सो फ्रेंड्स 10 लाख रुपए का इस कस्टमर ने इन्वेस्ट किया, और उनसे पूछेंगे वो क्यों आया मेरे स्टोर पे और कैसे आया और कैसे उनको मेरे स्टोर के बारे में पता चला। सो हाय गणेश सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन सर। बेसिकली फ्रॉम योर बिग सिटी तिरुनेलवेली तमिलनाडु। ओके, यू नो अबाउट कंप्यूटर पार्ट्स एंड एवरीथिंग? या ओके, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद परचेज एक्सपीरियंस? रियली नाइस। एंड व्हाट्स योर एग्जैक्ट यूज विद दिस पीसी, बिकॉज यू आर परचेज 3995 एंड 3090 graphic card, two high-end graphic card, almost 10 lakh rupees. Yeah, yeah, yeah. For main purpose on the film editing, individual film editing, or individual or film panna appadina nama yari depend pannaam irukkanum. So adukku nama or backbone vandu or nalla system. Or system hang aachina nammala vandu work pannave mudiyadhu. Creative work panna mudiyadhu, romba tired aavum. Abadi tired aayi or 10 years na ukkandiruken. ரொம்ப பேக் பெயின் இருக்கும், நம்ம ஒரு நைட் ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணுவோம், சிஸ்டம் ஹேங் ஆகும் வைக்கும். ஓகே, ஸோ அதுக்காக ரொம்ப ட்ரீம் பிசி, இது ஒரு 8 இயர் பிசி. ஸோ ஐ நான் நிறைய இடத்துல சர்ச் பண்ணேன், அரௌண்ட் ஒரு 3 மந்த்ஸ் சர்ச் பண்ணேன், பட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பார்த்து இந்த இதே மாதிரி ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்த்து ஒரு நேரில் வந்தேன், எனக்கு நல்லா கைட் பண்ணாங்க, ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ஸ்டில் ஐ ட்ரஸ்ட். தேங்க்யூ சார். ஸோ இட்ஸ் பேசிக்லி எடிட்டிங் பிசி. யா யா, ஓகே. सो फ्रेंड्स, सर ने बोला है कि ये काफी अच्छा पीसी है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि उनको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, फिर भी उन्होंने तमिल लैंग्वेज में बात किया। सो आप जब भी जो भी स्टेट में रहते हो, जिस प्लेस में रहते हो, उस शॉप पे जाने पे उस लैंग्वेज में बात करो, ताकि कस्टमर का जो रियल फीडबैक है उस सेल्स पर्सन को समझ में आ सके। जैसे कि आप कर्नाटका में आए तो आई थिंक जिस शॉप पे जाते हो कन्नड़ा में बात करने से थोड़ा सा अच्छा रहता है, और सर ने आके तमिल में बात किया ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे उनसे क्या बात करना है और क्या प्रोडक्ट देना है। सो मुझे बहुत खुशी हुई है। सो गणेश सर, थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या बोला है कि ये ऑलमोस्ट 10 to 12 hours इनका वर्क एडिटिंग करते हैं, उसके बाद में इनका पीसी एकदम ठुस हो जाता है, क्योंकि उतना पीसी पावरफुल नहीं रहता, इनका वर्क हार्ड रहता है। सो वो एडिटिंग पूरा काम उतना बैठ के वर्क स्ट्रेस में करने के बाद में इतना बैक पेन भी हो जाता है, फिर आपका वर्क पूरा क्रैश हो जाता है। सो उस तकलीफ को दूर करने के लिए इस पीसी को इन्होंने खरीदा है, सिंपल लैंग्वेज में। सो फ्रेंड्स, हमारे पास A to Z लाइक 15-20,000 बेसिक पीसी से स्टार्ट करके ऑलमोस्ट 15 lakh, 20 lakh, 1 crore तक का भी अगर आपको वर्क स्टेशन टाइप पीसी चाहिए तो भी हम बिल्ड करके देते हैं। सो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरा वेबसाइट में ये पीसी मैं लिस्ट करूंगा गणेश भाई के नाम से। सो अगर आपको ये पीसी बाई करना है तो आप मेरे वेबसाइट से भी बाई कर सकते हो, या फिर मेरा स्टोर पे भी विजिट कर सकते हो, या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हो वहां पर भी कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना। सो